बड़ी खबर आपको बताएं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भारत जीता है। बड़ी खबर आ रही है जहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत जीता है। गाबा में भारत ने इतिहास रच दिया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को 32 साल बाद गाबा में हराया है भारत ने। बड़ी खबर, ब्रिस्बेन टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई है, जिसमें भारत ने 32 साल बाद गाबा में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराया है। इसके साथ ही 2-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भी भारत ने कब्जा कर लिया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रोहित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे माहौल में? बिल्कुल आशीष, 32 साल बाद गाबा में ऑस्ट्रेलिया मैच हारा है पहली बात तो, और भारत ने लगातार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन की है। 2018-19 के बाद ये 2020 और 21 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत ने रिटेन की है। बहुत बड़ी जीत है, 3 विकेट से भारत जीता है यहाँ पर। जिस तरीके से आज खेल की शुरुआत हुई, 324 रन एक दिन में चाहिए थे और एक दिन में 324 रन बना देना 3 ओवर के पहले, बहुत बड़ी जीत है। शुभमन गिल ने 91 रन की पारी खेली, तो वहीं पर बेहतरीन पारी ऋषभ पंत ने खेली 80 के आसपास की। सुंदर ने बहुत तेज इनिंग खेली, जो छोटा कैमियो था लेकिन बहुत तेज था, वहीं से मैच पलटा। तो भारत ने ओवरऑल 2-1 से ये सीरीज जीत ली है। जिस तरीके से जब पहला मैच शुरू हुआ था 36 रन पे भारत ऑल आउट हुआ और उसके बाद से ये परिवर्तन 2-1 से सीरीज जीतना भारत के इस बैटिंग और इस टीम की काबिलियत को दर्शाता है आशीष। जी रोहित, कहीं ना कहीं गर्व की बात ये भी है कि जो खिलाड़ी थे वो भी नए थे। जी बिल्कुल आशीष, जब पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में भारत ने सीरीज 2-1 से जीती थी तो ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा था कि वार्नर और स्मिथ के बिना ये ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत कर जा रहे हैं, लेकिन इस बार देखना होगा कि बिना विराट कोहली, बुमराह, स्वामी के बिना भारत ने ये सीरीज जीती और उनके पास वार्नर और स्मिथ भी थे और उनके 3 तेज गेंदबाज जो विश्व के सबसे बड़े तेज गेंदबाज है वो भी थे और भारत की पूरी टीम नहीं थी, 11 प्लेयर इंजर्ड थे, उसके बाद ही भारत ने ये इतिहास रचा है आशीष। जी कहीं ना कहीं रोहित गर्व की बात है, 32 साल बाद इतिहास रचा एक बार फिर से भारत ने। जी बिल्कुल आशीष, ऑस्ट्रेलिया गाबा में इसके पहले 1988 में हारा था, तो आप सोच सकते हैं कि 32 साल में ऑस्ट्रेलिया हारा है गाबा में। अक्सर अगर देखें तो भारत ने इतिहास ऐसे ही रचा है, जब ऑस्ट्रेलिया लगातार टेस्ट सीरीज जीत रहा था तो भारत ने हराया था, वनडे सीरीज जब 17 मैच लगातार ऑस्ट्रेलिया जीता था, 18 मैच जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर खड़ा था, तब भी भारत ने उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो जब जब इतिहास के करीब ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है भारत ने उस इतिहास को तोड़ा है। जी रोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।